हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज का लोग काफ़ी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा यार, क्योंकि मेरे घर में इस टाइम में पेंट चल रहा था और सारी बोले वाइट वॉश हो गया, मतलब पूरा का पूरा अपना नीचे वाले फ्लोर में प्रॉपर, और हीरा वाला रूम भी मैंने करवा दिया है और वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। इसमें 8 से 10 दिन लग गए थे, इसलिए गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा था और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का बाहर वाली साइड भी चल रहा था इसलिए। और गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, अब अपनी वॉलें प्रॉपर पेंट हो गया है और जो इस वाले वॉल पर है वो दोबारा सीलन आनी चालू हो गई है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और हमारे नीचे वाले रूम में सीलन रहती है। हालांकि काफ़ी मेहनत लगी इसके बाद भी, लेकिन ये वाली वॉल तो बच गई, लेकिन इस वाली वॉल में दोबारा सीलन आ रही है बार बार। चलो देखते हैं बाकी इन फ्यूचर आप दूसरा कुछ और करवाएंगे इसका इलाज। लेकिन गाइस आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो अपनी अपडेट वीडियो है बुलबुल के बच्चे पे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा लेकिन डाल नहीं पाया था इन्हीं चक्करों में। तो गाइस आज मैं उसकी अपडेट दूंगा और कितनी बड़ी होगी वो भी दिखाऊंगा आपको, और मैंने उसको कितना ट्रेन कर लिया है, काफ़ी ट्रेंड हो गई, लेकिन अभी मैं उसको आउटसाइड की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा और इस बार भी पॉइंट्स बताऊंगा कि किस किस तरह मैंने उसको ट्रेन किया है। तो गाइस चलिए जल्दी से लेकर आते हैं और मैं हीरो को भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सो गाइस ये रहा अपना बुलबुल का बच्चा, काफ़ी बड़ा हो गया आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, उसको लूज मोशन लग गए थे, तो मैं इसके लिए इसकी फीड लेकर आया, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत बची है। और इसको बाकी मैं फ्रूट्स दे रहा हूँ अभी और मैं इसको दिखाता हूँ आपको मैंने इसको कितना ट्रेन कर लिया है। अभी इसको बाहर निकालते, थोड़ा उतावल हो रहा है। अच्छा ये बैठ गया अपने कंधे पे, थोड़ा भूखा भी हो रहा है इस टाइम पे, खाना भी मांग रहा है, इसको खाना भी दूंगा लास्ट में। और ये देखिए इसको पास से, और अब मैं इसको बाहर छोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कितना ट्रेन कर लिया है। अभी वैसे मेरे को प्रॉपर टेम हो गया है, जिससे कहते हैं टेम को कहते हैं हाथ बिल्कुल हाथ पे बैठना, उसको छू लो, और ट्रेन का मतलब है कि जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँ, उसको बुलाऊँ तो मेरे पास आए। तो अब इसको थोड़ी बहुत इसकी ट्रेनिंग में दिखाता हूँ आपको मैंने इसको किस तरह ट्रेन करा है। ये मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे और ये बैठ गया मेरे कंधे पर आके बिन नाम के। मैंने इसका नेम रखा भी बुलबुल, क्योंकि अच्छा नेम लगा मेरे को, इसकी जो ब्रीड है वही बुलबुल ही है और नेम थोड़ा अपना बिहार वाला लगा, अच्छा सा नेम लगा, देसी नेम, वो मैंने इसका नाम इसलिए बुलबुल रख दिया है। और मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको छोड़ के, बुलबुल इसको कंधे में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे, इसलिए इसको आदत मेरे कंधे की पड़ गई है, जिस तरह हीरा बैठता है बैठ। अभी छोटा बच्चा है इसलिए खाना मांगता रहता है आवाज़ कर करके, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और इसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी वॉइस है। और बाकी अब इसके देखो, इसकी जो चोच जो ऊपर अभी पंख है वो भी खड़े होने लगे हैं और इसकी जो पूँछ है वो भी अब रेड रेड आएगी धीरे धीरे। दोबारा छोड़ा और बुलबुल ये बैठ गई अपनी बुलबुल। सो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में इसकी ट्रेनिंग कैसी लग रही है आपको और क्या क्या मैं इसको सिखाऊं, और आउटसाइड की ट्रेनिंग अगर आप देखना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसको लास्ट बार एक बार और छोड़ते हैं बुलबुल। देखिए ये बैठ गई अपनी बुलबुल। अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा बहुत इसका खाना बना के लेकर आता हूँ और आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं इसकी इस टाइम डाइट प्लान में क्या चला रहा हूँ। सो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी डाइट। गाइस देखो ये देता हूँ मैं इसको डाइट में दोपहर में, इसके अंदर मैंने ऐड करके श्रिम्स और एप्पल, और सुबह की डाइट में मैं इसको देता हूँ बनाना और अपनी घर की बनी हुई रोटी सिंपल, और शाम को मैं देता हूँ उसको इसकी डाइट जो मैं इसके लिए फीड लेकर आया हुआ हूँ ताकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा है कि अभी इसको फीड पे रखें क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जो इसके मदर फादर खिलाते हैं वो इसको बिल्कुल गला के खिलाते हैं, खाने के बाद वो अपने शरीर में इसको गलाते हैं और उसके बाद इसको डालते हैं ताकि इसको गलाने में ज़्यादा दिक्कत ना लगे, क्योंकि छोटा बच्चा है इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है इनका। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरह, अब ये सेल्फ फीड हो गया है धीरे धीरे, और ये देखिए धीरे धीरे अपने आप खा लेता है,
और मैं अब इसको हाथ पे रखूँगा, उसके बाद भी ये खा लेते हैं। इसी तरह मैं इसको ट्रेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ बोल, ये आ गया अपने कंधे पे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फूड देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत इसकी एक्सरसाइज भी होती रहे। और थोड़े दिन बाद गाइस इसको मैं बाहर भी लेके चलूँगा, आपको वो वाला व्लॉग भी डालूंगा आपके साथ और किस तरह मैंने इसको प्रॉपर ट्रेन करा है। आप अगर चाहते हो कि इसकी वीडियो भी बनाऊँ तो मेरे को बताना, और लास्ट में आपको हीरा भी दिखाऊंगा, उसके लिए भी देखते रहना अभी वीडियो को। एंड गाइस देखिए ये रहा एप्पल, और एप्पल इसको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दे देता हूँ। और अभी मैंने इसकी बाहर की ट्रेनिंग गाइस चालू नहीं करी है क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, अभी थोड़ा ना समझ है इसलिए, ताकि डर लगता है कि कल को कहीं भाग ना जाए, तो इसलिए अभी मैं इसको बाहर ज़्यादा लेके नहीं जाता हूँ। और वो भी लेके जाऊँगा आपके साथ, आपकी वीडियो में डालूंगा और आपको हर चीज़ प्रॉपर सिखाऊंगा। अभी तो गाइस ये कोई ट्रेंड नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने हीरो को करा है अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इसलिए घर में सेल्फ ट्रेंड हुआ है थोड़ा बहुत, और अभी बाहर की ट्रेनिंग भी इसकी बाकी है, वो भी मैं आपके साथ डालूंगा। और गाइस अब दिखाता हूँ आपको हीरा को, और थोड़ी देर रखते हैं इसको पिंजरे में, अभी जाएगा नहीं क्योंकि अभी दूसरे कमरे में आ गया है और अपनी कोको इसको परेशान कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोको आ जा, आ कोको आ, आ जा ले, अभी वो नहीं हरी, आ ले ले कोको, आ जा आ जा कोको। एंड गाइस ये रही अपनी कोको, कोको बहुत बड़ी हो गई है, और अभी इसके थोड़े बहुत हेयर भी मैंने कटवाए हैं आगे से, और दो तीन वैक्सीनेशन भी इसकी हो गई है। और ये थोड़ा भी बुलबुल का बच्चा से डरता है क्योंकि मैं इस कमरे में इसको लेके नहीं आता हूँ, मैं इसको ट्रेनिंग अपने हीरा वाले रूम में देता हूँ, और ये बैठा अपने पीछे बैठ जाता है जैसे ही मैं इसको लेकर आता हूँ। तो गाइस करते हैं इसको अंदर, और मैं जल्दी से हीरो को लेकर आता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो तो गाइस देखिए ये रहा अपना हीरा, अभी मैं इसको लेकर आया हूँ पीछे वाले कमरे से, और अभी इसकी थोड़ी पूछ भी ख़राब चल रही है क्योंकि प्रॉपर मोल्टिंग परों की हो गई है, थोड़े बहुत पर और आने हैं, उसके बाद इसकी भी ट्रेनिंग चालू करेंगे। एंड ये बैठी अपनी बुलबुल, इसको मस्ती चाहिए हमेशा, ये मस्त रहता है अपने में। बढ़ जा, थोड़ी बहुत मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग दिखाता हूँ। ये तो अपना है ही ट्रेन हीरा, ये आ गया अपना हीरा। मोल्टिंग के बाद काफी सारे पर इसके वाइट वाइट भी आ गए हैं, और देखिए कितना लड़ाकू है, लेकिन बुलबुल को कुछ नहीं कहता भाई, ये बुलबुल से इसको अटैचमेंट होने लगी है, थोड़ी बहुत होने लगी है, थोड़ा बहुत जानने लगा है, थोड़ा थोड़ा इसके साथ खेलने के लिए छोड़ता भी हूँ रात को, और अब इसको कंधे पे छोड़ के जल्दी जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाइट वॉश हो गया, और पहली बार आया वाइट वॉश के बाद पहली बार आया है। और तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अपने फैंटेल का बेबी भी निकल गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और हालांकि काफ़ी बड़ा हो गया है, उसकी मैं ट्रेनिंग की वीडियो चालू करने वाला हूँ। सो गाइस जो जल्दी जल्दी मेरे साथ अपने फ्रेंड्स को भी जोड़े जो इस वीडियो में शौकीन है और ट्रेन करना चाहते हैं मेरे जैसे पिजन मेरे जैसे चिड़िया, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। Nothing can stop me, I'm all the way up.